24 आवर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां वकीलों ने पुलिस लाइन गेट के सामने जाम कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान वकीलों ने उनका वीडियो बना रहे पुलिस कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं अफसरों को ज्ञापन देने के बाद जमकर नारेबाजी की गई और जाम को समाप्त किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वकील एक पुलिसकर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। पूरा मामला शहर के कचहरी गेट का है, जहां वकील प्रदर्शन कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए प्रतापगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता डॉक्टर केपी दुबे। जी दुबे जी, क्या है पूरा मामला? हाँ कृष्णभान जी, प्रतापगढ़ में दो दिन के अंदर दो दो हत्याओं को लेकर आज प्रतापगढ़ के वकील आक्रोशित थे और ये उसी आक्रोश को लेकर के अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद प्रतापगढ़ में कचहरी के सामने ही चक्का जाम कर दिए थे, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। इस दौरान उपेंद्र सिंह नाम का एक सिपाही वकीलों का वीडियो बना रहा था, जिससे वकील आक्रोशित हो गए और सिपाही को जमकर पीटने लगे। इस दौरान काफी भगदड़ मच गई वहाँ पे। बाद में सिपाही के तहरीर पर 40 अज्ञात वकीलों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, क्या कुछ कहना है आला अधिकारियों का इस घटना के बारे में? इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक एस आनंद प्रतापगढ़ से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कानून का लेने का हक किसी को हक नहीं है। मामले में सिपाही की तहरीर पर 40 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जी दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ की, जहां वकीलों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पुलिस कर्मी जो है वो वीडियो बना रहे थे वकीलों के प्रदर्शन की, इसी से वकीलों का गुस्सा फूटा और वकीलों ने पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा है। प्रतापगढ़ के कचहरी गेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है।